हेलो एवरीवन सो पांच हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सिक्स और सेवन्थ एन सी का बिकॉज वी नो कि जो अभी प्रीलिम्स हुआ है और डजेंट मैटर कि अभी प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं एन से या नहीं आया है लेकिन एन तो पढ़ना है एन हमारा बेस है राइट right? तो सिक्स और सेवन्थ एन के कुछ पाँच क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आप कितने सॉल्व कर पाते हैं जितने भी सॉल्व कर पाए कमेंट सेक्शन में बताइएगा एकदम ऑनेस्टली अगर एक भी सही हो डजन मैटर बट मतलब उम्मीद क्या रहनी चाहिए आगे कि ये क्वेश्चंस फिर गलत ना हो अगर कहीं दिखे तो किसी भी एग्जाम में बी यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है ठीक है अब ये क्वेश्चन देख लीजिए टर्म्स दिए हुए हैं उसकी मीनिंग दे रखी है कि सुखता है विश है उपनिषद है और उसके मीनिंग्स क्या है मतलब सुखता का मतलब है वेल well सेड और यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि कितने पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड हैं प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा आपको ये पता है कि ये पेयर का पैटर्न स्टार्ट हो गया यूपीएससी काफी पेयर्स वाले क्वेश्चन पूछ रही है लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन जनरली करेक्टली मैच पूछा है अब नेक्स्ट हो सकता है वो इनकरेक्टली मैच पूछना स्टार्ट कर दे तो कितने इनकरेक्टली मैच है तो देख लीजिए एक बार आंसर सोच लीजिए और आंसर इसका है क्या देखिए सुक्ता जो है वो वेल well सेड वो टोटली totally करेक्ट है उपनिषद अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर ये भी टोटली totally करेक्ट है विश का मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता इसका मतलब होता है पीपल

ठीक है और उसी से वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी आई है ग्रेट सर तो इसका मतलब भी होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर मतलब एक ही इन करेक्टली मैच है तो आंसर क्या होगा ओनली वन तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है और रिवाइज कर लीजिएगा इसको एक बार अब ये वैदिक पीरियड में कुछ बातें लिखी हैं सुखता जैसे कि अगर आपको याद हो एनसीआरटी मैंने करवाया था आगे भी अभी हम एक एनसीआरटी कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि हम मीन पर्स्पेक्टिव से दो साल की वैलिडिटी है उसकी और मीन्स परस्पेक्टिव से हम उसको कवर करेंगे देखेंगे मीन्स के क्वेश्चन भी हम कैसे करें तो ठीक है लेकिन मेन्स भी तो सुक्ता क्या? क्या है जैसे आप हर वैदिक का चार पार्ट होगा समिता, तो ये जो पहला है ऋग्वेदा का, का उसको बोलते हैं ऋगवेदिक संहिता उसके अंदर हीम है पुरुषा सुन है ना उसमें अर्लिएस्ट रेफरेंस मिला है कास्ट सिस्टम का ये सुक्ता यहां पे भी देखिए पुरुषा यहां पर पुरुषाशुक्ता तो ये जो है इसका मतलब होता है हीम और इसका मतलब होता है वेलसेड ये आपके सिक्स एनसीआरटी में लिखा है जन और विश का मतलब होता है पीपल और जनपद वो एरिया होता है जहां लोग रहते हैं मतलब पीपल जहां पे अपना पैर रखते हैं जनपद वेदास चार पार्ट अभी हमने बात कर लिया और उपनिषद का क्या मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर ठीक है ये ध्यान रखना है अगेन अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं टर्म लॉर्ड ऑफ द दक्षिणा पथ इज मेनली एसोसिएटेड विथ एनसीआर का क्वेश्चन है और एनसीआर में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखी हैं और ये टर्म आपको भूलना नहीं है तो कौन है कौन की किस किंगडम के साथ एसोसिएटेड है ये लॉर्ड ऑफ दक्षिणा क्या वो सतवाहनाज है क्या वो पल्लवाज है क्या वो चोलाज है दक्षिणा पथ सतवाहनास को बोला जाता है कहते हैं कि मौर्य जो मॉरियन एम्पायर था जिसका कि एंड हो गया 187 से 185 एटी बी सी के तो उस टाइम ना नॉर्थ इंडिया में शुंगाज आए फिर शुंगाज को हटा के कनवाज आए है, है ना और उसी टाइम थोड़े टाइम के बाद नीचे सेंट्रल इंडिया में जो किंगडम आई उसको बोलते थे सतवाहनास, है ना इनको ना सतवाहनास को पुरानास में पुराना जो आपकी हिंदू मेथोलॉजिकल किताब होती है स्मृति में आता है पुरानास तो सतवाहनास को उन्होंने आंध्रास बोला है ठीक है ना सतवाहना के बाद वाका नाम की किंगडम आएगी वहां पे ही डेक्कन एरिया में और उनको उन्होंने तो तो और इन्हीं सतवाहनास को लॉर्ड ऑफ द दक्षिणा पद बोला जाता था कि साउथ में ये रूल करते थे इनका कैपिटल था प्रतिष्ठान है या पैथन और अभी इसी से रिलेटेड सतवाहना से रिलेटेड एक क्वेश्चन दो में भी आया है अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन था ठीक है इनके जो फाउंडर है सतवानाश के कहा जाता है कि सिमुका इनके फाउंडर थे गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये काफी फेमस सतवाहना रूलर है और सतवाहनास इसलिए भी फेमस थे ना कि वो अपने बच्चों का जो नाम करते थे देखो ऐसे गौतमीपुत्र सातकर्णी व शिष्टपुत्र मई मतलब अपनी मम्मी के ऊपर नाम रखते थे तो थोड़ा सा लगता था कि मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर है सतवाहनास का बट ये टोटली करेक्ट नहीं है बिकॉज बेटे मतलब जो होता है ना राजा तो बेटे ही बनते थे बेटी को तो बनाते नहीं थे तो ये सारी कुछ बातें हैं इनका ना हमेशा फाइट चलता रहता था शाकास के साथ सतवाना की अगर हम बात करें तो ये जैसे ये जो एरिया है ये वेस्टर्न छत्रप कहलाता था शाकास का आगे हम और डिस्कशन करेंगे तो यहां पे शाकास रूल करते थे शतवाना जिनसे लड़ते रहते थे हमेशा तो उसी में एक शाका रूलर थे नहापना याद रखिये कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि नहापना जो थे वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे नहापना शाखा डायनेस्टी के रूलर थे नहापना और गौतमीपुत्र साथ करने का झगड़ा चलता रहता था ये सब चीजें होती रहती थी ठीक है तो ये थोड़ी कुछ बातें हो होगी सतवानास के बारे में इनको आंद्राज बोलते हैं अभी हमने डिस्कस कर लिया और ये चीजें ध्यान रखनी इनका कैपिटल कहां था प्रतिष्ठाना जिसको कि पैथन भी बोला जाता है ठीक है एनसीईआरटी सी की बैच की हम बात कर रहे थे जो कि प्री से ज़्यादा मेन्स पर्सपेक्टिव को डील करेगा प्री तो ठीक है वो ऑटोमेटिकली डील होगा जब हम हो मेंस की बातें करेंगे और इसकी जो वैलिडिटी है दो साल की है आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख सकते हैं ज़रूर जुड़िए है। जैसे हिस्ट्री की मैं लूंगा क्लासेस और हम सिक्स से ट्वेल्थ कवर करेंगे और उसमें क्या होगा ना हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे सिक्स का चैप्टर वन चैप्टर टू इस तरीके से कवर करेंगे और देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं प्री मेन्स पर्स्पेक्टिव से और इसी तरीके से और जो दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो अपने जो इंपॉर्टेंट एनसीआर हैं उनको कवर करेंगे तो अगर आप चाहें इनरोल होना आपको लगता है कि यार बेसिक स्ट्रांग करना है एनसीआरटी पढ़ना है बिल्कुल आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं और भी कोई इश्यू हो आप इस टोल फ्री नंबर पर या इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और इसको भी एक बार देख लेते हैं टर्न दे रखा है मीनिंग दे रखा है अगेन आपसे यहाँ पे पूछा है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच है मैंने कोशिश की है मेरा हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें ठीक है ना तो अभी भी जो मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही किया है तो स्टार्टिंग हमने वैदिक पीरियड से की थी फिर पे 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 गए और अभी हम यहाँ पे इस टर्म आए ये कौन है किससे एसोसिएटेड है बात करेंगे तो ये टर्म्स है कुछ साउथ इंडिया जो तमिल एज है जो संगम पीरियड है उस टाइम ये काफी वर्ड यूज होते थे ऐसा नहीं आजकल नहीं यूज होते वेल्लाट तो बहुत दिनों तक यूज होते रहे क्वेश्चन ये है कितने करेक्टली तो totally और कदाई सी आर जो है, ये है तो यहां दोनों इंटरचेंज कर दिया गया है तो यहां आंसर क्या होगा ओनली वन कितने पेयर करेक्टली मैच किए गए ओनली वन तो अब अगर यूपीएससी इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा देखिए बहुत लोग हैं कि सर ये वो हमने कल मैंने डिस्कशन किया था इनफैक्ट आज सुबह वो वीडियो आया था उसमें बताया था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो किए जा सकते थे बट मतलब ना, इतना ही, इस तरह का कॉन्फिडेंस गिर गया तो हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो और कमेंट सेक्शन में बताइए हो कि आपको आते हुए क्वेश्चन भी आपसे गलत हो गए तो हो जाता है ये कॉन्फिडेंस गिरा देता है यूपीएससी कभी कभी पेपर सेट करके लेकिन क्वेश्चन थे तेरह क्वेश्चन बारह तेरह क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के देखें तो उसमें छह सात या सात आठ क्वेश्चन ऐसे थे जो हो जाने चाहिए थे कोई दिक्कत नहीं है अब इतने पेयर्स वाले क्वेश्चन कर लीजिए कि इससे कोई डर आपको लगे ना तो यहां पर आंसर क्या है ओनली वन और ये में आपके कुछ टर्म्स दे रखे हैं कि वेलल का मतलब लार्ज लैंड ओनर्स हमने अभी इन्हीं तीन टर्म्स को देखा आदिमाय, आदिमाय लैंड लेबर और उज़वार है उजवार ऑर्डिनरी उजवान सिमिलरली नॉर्थ इंडिया में ऐसे टर्म्स है ग्राम भोज का गृहपति दाशा कर्मकारा इसको एक बार देख लेना है आगे भी डिस्कशन हम करते रहेंगे यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है जैसे लैंडलेस लेबरर्स हैं या जो टेनेंट्स इनको हम बोलते हैं ये भी ये टर्म याद रखिएगा ठीक है ना और जो ये रिच लार्ज लैंड ओनर्स हैं वेल लार्स इसको जोटेदार्स हम बोलते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में ये भी आप मॉडर्न इंडिया में इसको पढ़ेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर पे देखते हैं विध रेफरेंस टू चोला किंगडम हम अब मिडेवल इंडिया में आ गए कि अभी जो की हम बात कर रहे हैं ये मिडेवल चोलास की हम बात कर रहे हैं ना कि संगम एज के चोलास की तो रेफरेंस टू चोला किंगडम जो है उसका मतलब क्या है लैंड गिवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स ऐसे कुछ टर्म्स होंगे ब्रह्मदे एटसेट्रा तो ना आपको ये टर्म्स थोड़ा पता होना चाहिए अगेन आपके एनसीआरटी का क्वेश्चन है और हम अभी एनसीआर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन बोलते हैं पली चचंदम ठीक है ना और यहाँ पे कुछ टर्म्स है टर्म सह, से आपके चोला से दिया हुआ है मेनली इंडिया इंडिया को को डील करता है मिडिवल तो अभी हम मीडीवल चोलास की बात कर रहे हैं ठीक है ना और भी एक जो आपके एनशियट चोलास हैं जो संगम पीरियड में भी एक्टिव थे अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे तो यहाँ पे लैंड जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मदेया लैंड ये याद रखिएगा जो ब्राह्मणों को दिया जाता था ठीक है उसके बाद देवदाना वो याद होता जाएगा तो होपफुली आज के बाद पली चचंदम आपको याद रहेगा ब्रह्मदे भी इतने बार आप सुनेंगे ब्रह्मदेया की आपको याद हो जाएगा शालाब होगा मेंटेनेंस ऑफ स्कूल वेल एन गाय लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीस तो ये ध्यान रखना है और अभी जो हमने किया उसको भूलना नहीं है अगेन एनसीआर से ही उठाया गया ये क्वेश्चन है हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरंजीज आर एसोसिएटेड विथ ये जो हिस्टोरिकल वर्क है बुरंजीज जिसको बोलते हैं ये किससे एसोसिएटेड है चेदी डायनेस्टी से चोला किंगडम से अहोम किंगडम से या चेरा किंगडम से तो आंसर क्या है इसका अहोम किंगडम अहोम किंगडम थर्टीन टू नाइनटीन सेंचुरी तक एक्टिव थे और ये म्यांमार से आए थे बॉन्डेड लेबर या जो फोर्स लेबर होता है राधा वो प्रैक्टिस करते थे उसको बोलते थे पाइक्स ठीक है ना और इनके जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे उसको बोला जाता था बुरेंजीज़ तो ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है ना अहोम किंगडम इसका आंसर है माइग्रेट किए थे ब्रह्मपुत्रा वैली से कहां से म्यांमार से ठीक है ना और नया स्टेट बनाया हटाकर किसको जो टर्म ध्यान रखना है औरंगजेब के टाइम में इनको, मतलब, किया गया, बहुत ब्रीफ के लिए, कर पाया को, फिर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस फिर से रीअसर्ट कर लिया और ये फोर्स लेबर पे डिपेंडेंट थे इसको बोलते थे इस सिस्टम को, पाइक, ये भी ध्यान रखना है और अभी जो क्वेश्चन आया था वो यहां से आया था हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरसो रिटर्न होम लैंग्वेज एंड इन एसोमी तो ये पांच क्वेश्चन थे और अब बिल्कुल मेरे को भी बताइएगा कि ना आपके कितने आंसर सही हुए और ऐसे हम आगे और क्वेश्चंस लेते आएंगे और कोशिश करेंगे लेवल अच्छा रखें क्वेश्चंस का होपफुली आज का लेवल आपको अच्छा लगा होगा एक भी क्वेश्चन सही हो जीरो भी क्वेश्चन सही हो टेंशन नहीं लेना है बट कोशिश ये करना है कि ये क्वेश्चन फिर गलत ना हो ठीक है ना दैट्स इट अच्छे से पढ़ते रहिए लड़ते रहिए जल्दी मिलूंगा आपसे टेक केयर बी बाय बाय